बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के एसजीपीजेआई में उनका इलाज चल रहा था। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह, और सोमवार को अलीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर शोक जताया है, दुख जताया है, और कहा कि कल्याण सिंह जी का जनता से एक जादुई जुड़ाव था। राष्ट्रपति ने कहा कि दृढ़ निश्चयपूर्वक स्वच्छ राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया, अपराधियों और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त किया, और अपराधियों और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कल्याण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। दुख व्यक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, कल्याण सिंह महान नेता और एक उम्दा इंसान थे, यूपी के विकास के योगदान में एक लंबी विरासत छोड़ गए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के नायक थे कल्याण सिंह, कल्याण सिंह एक विराट वट वृक्ष थे, कल्याण सिंह पिछले दबे कुचलों की आवाज थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है, मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,